सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। जो BSPSCL टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगी, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और टोटल बिहार के अंदर 51 सेंटर बनाया गया है, क्या टोटल 51 सेंटर में एग्जाम होगा कब तक, बिजली विभाग के पास ये जानकारी आ जाएगी। टोटल 51 सेंटर को विजिट किया गया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या नवंबर में भी एग्जाम होगी या सिर्फ दिसंबर में एग्जाम होगी, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, BSPSCL टेक्नीशियन परीक्षा में धांधली होना तय, 5.85 लाख आवेदन, एग्जाम दिसंबर में होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, सेटिंग होगा एग्जाम में, ऐसा क्यों लिखे, किस लिए लिखे, तो चलिए पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ही पता होना चाहिए, अभी SSC MTS का एग्जाम चल रही है, ठीक है, और देख लीजिए TCS एग्जाम ले रही है, और यहाँ पर आप देख लीजिए पूर्णिया में क्या हुआ, पटना से कटिहार तक हुआ फर्जीवाड़ा, 35 गिरफ्तार, SSC परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील। जब आपको पता होना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम भी अब सेफ नहीं है, जब TCS एग्जाम ले रही है, जब TCS एग्जाम ले रही है तब इतना बड़ा धांधली और चेटिंग हो रही है। तो ये छोटा सा बताइए, जो प्राइवेट कंपनी एग्जाम लेगी तो इसमें क्या विश्वास किया जा सकता है, इसमें धांधली नहीं होगी, चेटिंग नहीं होगी, हर चीज नहीं होगी, समझे कि नहीं, इसलिए स्पष्ट रूप से लिख दिया है परीक्षा में धांधली होना तय। और टोटल स्टूडेंट देखिए कितना है, 5.85 लाख, 5.6 लाख स्टूडेंट आवेदन किए, एग्जाम आपको दिसंबर में होगी, एडमिट कार्ड कब आएगी और सेटिंग होगा एग्जाम में, ये क्यों लिखे, किस लिए लिखे हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो हम आपको बता रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। पिछला वीडियो हम आपको बताए थे जिसमें हम आपको बोले थे 20 नवंबर तक बिजली विभाग के पास ये जानकारी आ जाएगी, जो टोटल एग्जाम सेंटर 51 बनाया गया है, तो टोटल 51 के 51 पर एग्जाम होगी या एक दो सेंटर पर एग्जाम नहीं होगी, ये रिपोर्ट कब आएगी, तो 20 नवंबर को, ये हम आपको क्लियर कर जानकारी दिए थे, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर ये आ रही है जो नवंबर में भी एग्जाम होगी, तो दोस्तों अभी जो निकल के आ रही है, अब नवंबर में एग्जाम नहीं होगी, ठीक है, बिजली विभाग भी पूरे सख्त हो गया है, हर चीज हो गया, जब ये देखा गया है यहाँ पे तो बिजली विभाग भी पूरे सख्त हो गया है, अब आपका दिसंबर में ही सिर्फ एग्जाम होगी, नवंबर में एग्जाम नहीं होगी, सभी के सभी एग्जाम आपको दिसंबर में ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा, समझे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, टोटल 51 आपको सेंटर बनाया गया, तो 51 सेंटर को अभी विजिट चल रही है, इसका काम चल रही है, बिजली का काम चल रही है, इसको जो है जांच किया जा रहा है, जो टोटल 51 सेंटर सही है या नहीं है, इसका यही काम चल रही है, ठीक है। और जो लेटर वायरल हुआ था, हम आपको बता दीजिए, इंटरनल लेटर है, ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, बार बार हम आपको कह रहे हैं ऑफिशियल साइट पर लेटर कब देखने को मिलेगी, टोटल 51 सेंटर विजिट हो जाएगा, 51 सेंटर पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, जहां अब इस पे एग्जाम लिया जा सकता है, तब जाके आपको ऑफिशियल साइट पर ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको ऑफिशियल साइट पर ऑफिशियल नोटिस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्जाम आपको दिसंबर में होगी, अब नवंबर में एग्जाम नहीं होने जा रही है, और बिजली विभाग भी जो है सख्त हो गया है ये धांधली और चेटिंग को लेके, समझे। अब बच्चे लोग यही पूछ रहे हैं, कल जैसे ही ये पेपर में दिया गया, हर चीज दिया गया, उसी समय से बच्चे के द्वारा बार बार कॉल और मैसेज आ रहा है, सर BSPSCL एग्जाम के बारे में बताइए, क्या सर इसमें भी धांधली सेटिंग होगी, हर चीज होगी, सर तो डर लग रहा है, हर चीज लग रहा है, बच्चे के जानना है, फ्यूचर का सवाल है, हर चीज तो डर तो लगेगा लगेगा, इसीलिए ये वीडियो हम लेके आए हैं। जो आपका एग्जाम दिसंबर में होगी, नवंबर में अभी एग्जाम होने नहीं जा रही है, समझे कि नहीं, अभी टोटल 51 सेंटर के विजिटिंग चल रही है, जांच चल रही है, ये जांच पूरा हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा, तब आपको ऑफिशियल साइट पर लेटर देखने को मिलेगी, जो दिसंबर में इस स्टेट में आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम से एक सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड जारी होगी, एग्जाम से एक सप्ताह पहले आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट पर दिया जाएगा, जहां से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, समझे, इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, समझे। इसके लिए बिजली विभाग पूरे सोच रहा है, जो कहीं पे कोई सेटिंग वाले बात नहीं हो, कहीं धांधली सेटिंग नहीं हो, एग्जाम में फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसको देखते हुए इसलिए नवंबर में आपका एग्जाम नहीं होने जा रही है, समझे। अब क्लियर कट, ये 51 सेंटर को फिर दोबारा विजिट किया जा रहा है, फिर इसको दोबारा विजिट किया जा रहा है, समझे,
इसको फिर से दोबारा वेरीफाई किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, और हो सकता है 51 में आपको दो चार पांच सेंटर है जिसमें एग्जाम नहीं होगी, क्योंकि चार पांच ऐसा सेंटर पकड़ाया है जहां पे धांधली सेटिंग का डर है, हर चीज है, तो उस सेंटर पे हो सकता है आपका एग्जाम नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए दोबारा इसको वेरीफाई किया जा रहा है, जैसे ही ये वेरीफाई समाप्त हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी, तब आपको ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम सभी एग्जाम आपको दिसंबर में होगी, अब नवंबर में एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दी है, समझ में आ गई है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए, बाकी बिजली विभाग अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक है। ये दोबारा वेरीफाई किया जा रहा है, लगभग 20 से 21 तक वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आपको ऑफिशियल साइट पर लेटर देखने को मिलेगी, जो एग्जाम कब होगा, बीएसपीएससीएल का एग्जाम कब होगा, किस किस डेट में एग्जाम होगी, और एडमिट कार्ड आपको कब रिलीज किया जाएगा। तो चलिए पूरी जानकारी बता दी है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही बीएसपीएससीएल के बारे में कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।